मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक मामला कृषि उपज मंडी नसरुल्लागंज में देखने को मिला, जहां मूंग फसल तुलाई में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का असर नसरुल्लागंज मंडी में भी देखने को मिला, जहां पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप होने से मूंग फसल बेचने आए किसान करीब 8-10 दिनों से परेशान नजर आ रहा है। मंडी में मूंग खरीदी का काम ठप पड़ा है। जानकारी ली गई तो बताया कि ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के कारण मंडी में व्यापारियों द्वारा माल नहीं खरीदा जा रहा, जिसके चलते किसानों को मंडी में बैठकर ही ट्रांसपोर्ट हड़ताल के खत्म होने का इंतजार है। तेज बारिश से किसानों को अपनी फसल खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। वही किसानों को लगता है कि प्रशासन द्वारा दी गई भावांतर योजना की समय अवधि कम है, और अगर वह मंडी छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी फसल भावांतर में नहीं ली जा सकेगी, जिसके चलते गिरते पानी में भी किसान मंडी में ही अपनी ट्राली खड़ी कर रहने को मजबूर है। आज 8 दिन हो गए मेरे को ट्राली रिलाम हो नहीं रही, बाहर पानी गिर रहा है पूरा, मतलब मूंग सड़ गया, कौन जवाबदार है? तो मंडी बरसात रोज गिर रही है पूरी बारिश सारी, तरह तरह खरीदी क्यों नहीं हो पा रही है? बनिया उनके अलाउंस हो रहा है रोज का, क्या हड़ताल है हड़ताल। हमारी समस्या ये है कि हमारी ट्राली आज 8 दिन की हो चुकी है, 18 तारीख की आई है ट्राली, अभी तक लीलाम नहीं हुआ। 3 दिन तक तो हम बाहर खड़े रहे, 3 दिन बाद यहाँ आए तो 2 दिन बाद सेट में ट्राली लगी है, भीड़ हो रही है। चलो मान रहा है वो तो कि मूंग आ रही है, लेकिन उसकी समस्या ये है कि इसमें जो व्यापारी होने जो खरीद रहे हैं माल, तो उनमें उनको भी वो 2 सेट से ज़्यादा लीलाम नहीं कर रहे हैं एक दिन में, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना। तो जब आवक ज़्यादा हो रही है तो समय भी ज़्यादा निकालना चाहिए ना, समय ज़्यादा निकालो। ट्राली खरीद रहे हैं एक दिन में मात्र 2 सेट लीलाम कर रहे हैं। बुधनी मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट।